महामारी कोरोना संक्रमण जोगू बेकारी एक बड़ समस्या रूप नहीं कोटि कोटि शिक्षित युवगोष्ठी आज रोजगार हराई संघर्ष करेमान किसी युवगोष्ठी चाकरी करने दौड़ बाहरी निजे स्वावलंबी होती यह युवगोष्ठी निजे स्वावलंबी होगा सह अन्यमानकु रोजगार जगैबारे होई परिछन्ति सहायक भारत मध्य बेकारी समस्यारु बाद पड़ी पारी नहीं। एभली संकट स्थिति रे काश्मीर अनंतनाग जिल्लार कांजीकुड अंचल रे सामना को आसी स्वावलंबीर एक नुआ मॉडल एही अंचलर बासिंदा बिलाल अहमद खान एक छोटिया पोखरी को माछ फार्म रे परिणत करी एक नुआ उदाहरण सृष्टि करिछन्ति। एही 40 वर्षीय व्यक्ति जनक 2007 मसीह रे पोस्ट ग्रेजुएशन शेष करथिले चाकरी खोजी खोजी नयंत हेबा परे से निज पत्नी और झियो मानक सहायता रे आरंभ करथिले एको छोटिया माछ फार्म। मैंने ये फार्म 2007 में शुरू किया है, फिशरीज का फार्म। तो मैं बेरोजगार था, मैंने पढ़ाई की थी, मैंने एमए किया था, लेकिन फार्म भर भर के मुझे कहीं रोजगार नहीं मिला अपने पसंद का। फिर यहाँ पर हमारे इलाके में पानी खूब है, चश्मा है इधर पांजत में, उधर से ये पानी आता है। तो हमने इस पानी का फ़ायदा उठा के फिश फार्म बनाया। हम इस फार्म में कार्प फिश पालते हैं, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प। तो ये बहुत अच्छी मछली है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें ये जोड़ों का दर्द जो होता है इससे वो दूर होता है। तो यहाँ के इलाके के लोग सब यहाँ से मछलियाँ लेते हैं और ये हमारे लिए थोड़ा सा रोजगार बन गया। बिलाल अहमद को ए फिश फार्म केवल माछरे सीमित हो रही नहीं, एहि माछ फार्म वर्तमान स्थानीय लोकों पर मनोरंजन स्थली पलटि पार्क भली मन होता। यह माछ फार्म को देखा प्रतिदिन स्थानीय लोकों भिड़ जमुची। हमने इसमें कलकत्ता से ये पैडल बोट्स मंगवाई, तो इसको हमने दूसरा भी थोड़ा जरिया बनाया ताकि यहाँ के लोग जो हैं मुकामी बच्चे हैं यहाँ बोटिंग करते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ये बोट चलाना पॉसिबल नहीं था। श्रीनगर में बोटिंग चलती है, यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो ज़्यादातर वहाँ नहीं जा सकते हैं, हालात भी यहाँ ठीक नहीं रहते हैं। तो हमने ये एक आइडिया निकाला कि हम बोटिंग भी रखेंगे, इस पर मछलियाँ भी पलेंगी और बोटिंग भी चलेगी। यहाँ लोकल बच्चे आते हैं, यहाँ पर बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं और हमारा भी थोड़ा रोजगार बनता है। हमें यहाँ हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो सारे बच्चे वो इधर आए और एंजॉय करें। वर्तमान लोके एठा को आसी माछ किणीबा सह नेउछंती बोटिंग और स्विमिंग रा मजा। छोट पिला माने मध्य पोखरी रा विभिन्न प्रकार माछ देखिबा को पसंद करुछंती। समय बिताबा पई मनोरंजन रो एही नुआ स्थान पाई लोके मध्य खुशी जाहिर करिछंती। 2007 से मेरे पापा यहाँ पे फिश फार्म चला रहे हैं यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे, जिसकी वजह से जो यहाँ पे बेरोजगारी है हम उनको भी थोड़ा सा हेल्प करें, और बाकी अगर यहाँ पे टूरिज्म से उससे बढ़ जाएगा उससे हमें भी हेल्प हो जाएगी और बेरोजगारी भी खत्म। बेकारी समस्या दूर करिबा पई बिलाल अहमद को मॉडल को देखिबा को आसुतबा पर्यटकों पई बिलाल निजर सेओ फार्म मध्य खोली देइछंती, जहाँ फल प्रकृति को मनभरी उपभोग करुछंती पर्यटक। भविष्यतर एठारे एक कैफेटेरिया और पार्क खोलिबा को योजना रखिछंती बिलाल। काम में अपनी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, वो मदद करते हैं, सुबह शाम वो मदद करते हैं। और यहाँ कभी कभार जब मछलियाँ निकालनी हो, सितंबर अक्टूबर में हम सेल करते हैं, उस वक्त मुझे यहाँ मजदूर भी लगाने पड़ते हैं, उनका भी रोजगार बनता है। यहाँ अगर हम चाहें तो 5-10 का यहाँ रोजगार बन सकता है। हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, झूले लगाएंगे ताकि ये बोटिंग पार्किंग वगैरह थोड़ा टूरिज्म बनाएंगे हम यहाँ पर। जड़े सफल मछ चाषी होगा पर स्थान पार्क खोल को बिलाल को परिवार लोके सरकार को सहायता जोगे देवा को निवेदन करिछंती, जहाँ द्वारा एही माछ फार्म एक पर्यटन स्थली रूप नहीं पारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटिया लाइव न्यूज देखिबा पई डाउनलोड करंतु ईटीवी भारत आप।